पिछले लेक्चर में मैं आपको दी आर्टिकल बता रहा था, उसके आगे अगला नियम है, रूल है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगला रूल है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, कुछ सुपरलेटिव, कुछ लोग सुपरलेटिव से भी कंफ्यूजन कर सकते हैं, हालांकि बहुत इजीएस्ट चैप्टर है सुपरलेटिव डिग्री। यह एडजेक्टिव में आप ये देखेंगे, एडजेक्टिव के लेक्चर में तो हमने आपको डिटेल बताया है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी बेस्ट बॉय, दी बेस्ट बॉय। अब देखें, गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेस्ट जो है गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग। दी हाईएस्ट माउंटेन, दी हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन, दी हाईएस्ट माउंटेन। अब देखें, ये भी हाई, हाई, हायर, हाईएस्ट, दी हॉटेस्ट टी। इस तरह से जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं उनसे पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब अगला जो रूल है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, यदि एडजेक्टिव्स को नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, फिर समझें, यदि एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी रिच, दी पुअर, दी वीक, दी वीक, एटीसी। अब आप देखें यहां कि यहां रिच, पुअर, वीक, यह आपका एडजेक्टिव है, किंतु यह नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, व्यवसायों के नाम से पहले, व्यवसाय, बिजनेस, व्यवसाय के नाम से पहले भी दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। दी बार, दी बेंच, दी प्रेस, दी बार, दी बेंच, दी प्रेस, इस तरह से। और नेक्स्ट रूल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ा समझने की बात है, ये दिमाग का प्रयोग करेंगे, दिमाग से समझेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। एक चीज अवश्य कीजिएगा, जितने मेरे लेक्चर्स हैं वो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं और सब फ्री हैं, एक पैसा भी नहीं लगना है। तो इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी वीडियो हैं सब आपके पास जाएंगे और उसको देखेंगे और अपने ढंग से उसका अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। कंपटीशन क्रैक में भी वो बहुत ही मदद करेगा और एकेडमिक में भी वह आपकी बहुत मदद करेगा। अगला है, किसी परिचित स्थान, घटना, व्यक्ति से पहले, इसको समझने का प्रयास करें, किसी परिचित, किसी परिचित
स्थान, घटना या व्यक्ति, किसी परिचित स्थान, घटना अथवा व्यक्ति से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसी परिचित स्थान पहला, दूसरा घटना, तीसरा व्यक्ति के नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस, दिस इज प्लेस वेयर गुरु नानक वॉज बॉर्न, वेयर देखें आप, द प्लेस वेयर गुरु नानक वॉज बॉर्न, इट मीन्स दैट प्लेस इज फेमिलियर टू अस। इसीलिए यहां प्लेस से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। दिस इज द मैन हु वॉज विनर इन द रेस, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु वॉज विनर इन द रेस। देखिए आप, दिस इज द मैन, मैन से पूर्व, क्योंकि ये क्लॉज जो है इसके विषय में परिचय बता रहा है, इसलिए परिचित व्यक्ति से पहले भी दी का प्रयोग होगा। दिस इज द लेडी हु हेल्प मी इन माई पेन, दिस इज द लेडी who helped me in my pain, this is the lady who helped me in my pain, who helped me in my pain, it means lady परिचित है, इसके पहले the article का प्रयोग होगा। Next example है, this is the road where we met, this is the road where we met, an accident by bus accident an accident by bus। अब देखें यहां the road से पहले the article का प्रयोग होगा, इसलिए आप देखें यहां परिचित स्थान, प्लेस, घटना, रोड, एक्सीडेंट और व्यक्ति। व्यक्ति का मैंने दो उदाहरण दिया, कहीं आपको ये न लगे कि फेमिनिन जेंडर के लिए है अथवा मैस्कुलिन के लिए है, इसलिए मैंने आपको दो एग्जांपल देकर के इसको समझाया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इस पर ध्यान आप देंगे, अवश्य देंगे, यह विश्वास है कि इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, कॉमन नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला है, कॉमन नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसके पहले मैंने आपको लेक्चर बताया था कि प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन बना दिया जाता है तो उस कॉमन नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा माने उससे भिन्न है। है नियम क्या? कॉमन नाउन से के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। For example, the books are putting on the table. The books are
putting on the table. अब देखें the books common noun है, इसलिए इसके पहले the article का प्रयोग हुआ है. एक एग्जाम्पल और दें, the house is over decorated. The house is over over decorated. आप देख रहे हैं the house, this house एक कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले the article का प्रयोग हुआ. और नेक्स्ट रूल है, ये भी महत्वपूर्ण है, अक्षरों में लिखे ऑर्डिनल नंबर से पहले, अक्षरों में लिखे अक्षरों में लिखे ऑर्डिनल नंबर से पहले, ऑर्डिनल नंबर के पहले या नंबर्स के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है. दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दी फर्स्ट दी सेकंड वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसी तरह से द थर्ड, द फोर्थ, द सेवंथ, इसी तरह से द थर्ड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इसी रूप में आएगा. लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, यदि ये रोमन संख्या में लिखा जाता है, यदि इनको रोमन संख्या में लिखते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. फिर समझें, यदि इनको रोमन में लिखेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इडवर्ड फर्स्ट, इडवर्ड फर्स्ट. अब देखें यहां रोमन में लिखा गया, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ. अगला है जॉर्ज थर्ड, ये रोमन में लिखा गया, ये रोमन में लिखा गया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने का प्रयास इसको भी करें. अगला है आपका, यदि किसी नाउन का प्रयोग पहली बार हो तो वह अनिश्चित माना जाता है, उसके पहले भाव के अनुसार ए अथवा एन का प्रयोग होता है. भाव के अनुसार कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू सेंस, इट मीन्स यदि वॉवेल उच्चरित है एन का प्रयोग, यदि कॉन्सोनेंट उच्चरित है तो ए का प्रयोग, लेकिन यदि वही नाउन का दोबारा प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है. फिर समझें इसको, यदि किसी नाउन का प्रयोग पहली बार हो तो वो इंडिफिनिट माना जाता है, कहने का मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ए अथवा एन का प्रयोग, एक अगर वो वॉवेल उच्चरित है, वॉवेल है तो उसके पहले ए का प्रयोग, यदि सॉरी ये कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए का प्रयोग, यदि वॉवेल है तो उसके पहले एन का प्रयोग, फिर उसी नाउन का प्रयोग किया जाए तो उसके पहले तो वो डिफिनिट हो जाता है, उसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई साय बॉय, इसमें समझने वाली बात है, पहली बार प्रयोग होगा तो दी इनडिफिनिट आर्टिकल आएगा. इनडिफिनिट आर्टिकल का मतलब और एन, फिर उस यदि उसी नाउन का प्रयोग
उसी नाउन का प्रयोग दोबारा होता है। यदि उसी नाउन का प्रयोग दोबारा होगा तो वो डिफरेंट मान लिया जाएगा, इसलिए उसका आर्टिकल भी बदलेगा, उसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आई साय बॉय, आई सा बॉय। अब देखें यहां अ बॉय, बॉय पहली बार हुआ इसलिए अ का प्रयोग हुआ। द बॉय वॉज हेल्दी, द बॉय वॉज हेल्दी। अब इसी का प्रयोग क्यों हुआ, यहां तो इंडिफिनिट था लेकिन जब यहां आया तो यह डिफिनिट आर्टिकल हुआ, इसलिए यहां द आर्टिकल का प्रयोग हुआ। इस तरह से ए अ एंड दी, ये तीनों आर्टिकल्स को अधिकतम प्रयास करके आपको समझाया गया। और इसी में भी माने कहें तो आर्टिकल्स के चैप्टर में आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। थैंक्स।